ठीक है भैया, भविष्य में जैसे जैसे होगा सब अपने को वजह क्या है, वजह क्या है सिद्धार्थ जी, और लोग भी वजह होगा ना। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आपके साथ हर्षिता प्रताप सिंह। बिहार की राजनीति में आज एक बार फिर बड़ा उलटफेर हुआ है। कांग्रेस के दो विधायक सिद्धार्थ और मुरारी गौतम ने और वहीं राजद की एक विधायिका संगीता ने भाजपा ज्वाइन कर लिया है, जिसके बाद से लगातार बयानबाजियों का दौर जारी है। हालांकि कांग्रेस के विधायक सिद्धार्थ ने भाजपा ज्वाइन करने के बाद क्या कुछ कहा है, हम आपको पहले वो सुनाते हैं। वजह क्या थी, मैं क्या आपके बातों को नहीं सुना जाता था? था? कोई वजह रही? मैक नीचे रखो, बोलने दो ना, बोलने दो यार, ठीक है भैया, भविष्य में जैसे जैसे होगा सब अपने को वजह क्या है, वजह क्या है सिद्धार्थ जी, और लोग भी वजह होगा ना, वजह होगा ना, बीजेपी में ये बता दीजिए, और लोग हैं, और लोग समझ लीजिए क्या समझ है, ये बता दीजिए। आप तो कह रहे थे कि नहीं जाएंगे, आप हैदराबाद भी नहीं गए थे, और कितने लोग हैं, किनका फोन है, आपकी सदस्यता भी जा सकती है, कितने लोग हैं सर जो आपके साथ और कितने लोग हैं? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों से प्रभावित इधर सर सामने सर इधर स्वरूप में आप इधर इधर और लोग भी हैं क्या लाइन में? राष्ट्र हित में काम हो रहा है, प्रधानमंत्री की कौन सी नीति इधर इधर कांग्रेस विधायक सिद्धार्थ ने आज भाजपा ज्वाइन कर लिया, जिसके बाद उसका कारण बताते भी नजर आ रहे थे। साफ कहा कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों से काफी प्रभावित थे, यही कारण है कि उन्होंने भाजपा ज्वाइन कर लिया। पत्रकार उनसे लगातार ये सवाल कर रहे थे कि क्या और भी ऐसे विधायक हैं जो भाजपा ज्वाइन कर सकते हैं, क्या ऐसे और विधायक हैं जो लगातार भाजपा के संपर्क में, इस पर कुछ कहते नजर नहीं आए विधायक सिद्धार्थ, लेकिन साफ कहते नजर आए कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों से प्रभावित होकर ने भाजपा ज्वाइन किया है। कुछ दिनों पहले तक वो कहते नजर आए थे कि किसी हाल में भी वो कांग्रेस का साथ नहीं छोड़ेंगे, लेकिन आज उन्होंने कांग्रेस का साथ छोड़ दिया तो वहीं भाजपा ज्वाइन कर लिया। केवल उन्होंने ही नहीं बल्कि कांग्रेस के एक और विधायक मुरारी गौतम तो और राजद की एक विधायिका संगीता ने भी आज भाजपा ज्वाइन कर लिया है, जिसको लेकर एक और राजद लगातार ये आरोप लगा रही है कि ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की चाल है, जिसके तहत उन्होंने विधायकों को तोड़ने का काम किया है। तो वहीं भाजपा के से डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने कहा कि वो लोग भ्रष्टाचारियों से परेशान थे, इसी कारणवश उन्होंने भाजपा ज्वाइन कर लिया। अब कांग्रेस का साथ छोड़ने के बाद विधायक कांग्रेस का साथ छोड़ने के बाद विधायक सिद्धार्थ की ये प्रतिक्रिया सामने आई है, वो कारण बताते नजर आए कि उन्होंने भाजपा क्यों ज्वाइन किया। इस पूरे मुद्दे पर क्या कुछ कहते नजर आ रहे थे ये हमने आपको सुनाया। फिलहाल इस खबर में इतना ही, आप आगे की खबरों के लिए देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।